নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। বেঙ্গলি ইজ এ ভেরি সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ। ইস ভাষা কো জাননা আর সমঝনা আপনে আপ মে গর্ব কি বাত হ্যায় আর মে বহুত হি ভাগ্যশালী হুঁ কি মুঝে ইয়ে ভাষা আতি ভি হ্যায় আর সমঝ মে ভি আতা হ্যায়। और मैं अपने बंगाली भाई और बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ, आगे जो मैं बताने जा रही हूँ इस बात को आप भी समझेंगे और इसे आगे तक पहुँचने में, मेरे देश की सर्वोच्च पद पे विराजित लोगों तक ये बात पहुँचाने में आप लोग भी मदद करेंगे। देश की सर्वोच्च पद पे विराजित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे देश की PM सर श्री नरेंद्र मोदी जी और मेरी स्टेट की CM श्री मानिक शाह सर जी। सर जी, बात बहुत छोटी सी है। बात यह है कि कॉकबोरक को हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको 98% सही तरह से लिख पाते हैं, और अगर हम उसे बंगाली में लिखते हैं तो उसको 60% ही हम सही तरीके से लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। हमारे मातृभाषा को हम किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, किस भाषा में लिखना चाहते हैं, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। आप हर एक माँ से पूछ के देखिए, हर एक त्रिपुरी माँ से, हर एक माँ यही कहेगी कि अंग्रेजी में हम आसानी से लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, पर बंगाली में वही वाक्य बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो लिखने में भी और पढ़ने में भी। द्रौपदी मुर्मू जी, माँ आप ज़रूर ये बात समझेंगे कि हम अपनी मातृभाषा को कैसे लिखेंगे, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। आप ये समझेंगे और हमें हमारे भाषा को लिखने की अनुमति ज़रूर देंगे। माँ हमारे लोगों को स्वच्छ पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। अच्छी सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऐसी ऐसी जगह है अब भी ADC एरिया में, गांव के एरिया में। माँ भाषा की चयन तो हमारा हक होना चाहिए ना। बस आप हमें स्वीकृति दे दीजिए कि हम अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी में लिख सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें।